माता रानी का सत्संग है। तो फिर जोर से बोलो जय माता दी। नहीं रुक रही, कैसे जाऊंगी आज गुरुद्वार में? अरे टेंशन मत लो, आंधी हो तूफान हो, ये अनुराधा जाएगी और आपको दर्शन कराएगी। गाइस जय माता दी, जय गुरु जी। और सुबह सुबह मैं अपने टेरेस पे आ गई हूँ और आप देख रहे हैं टाइम हो रहा है 9 सुबह के, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं गाइस। और कितना अच्छा साफ सुथरा मौसम लग रहा है, कूल कूल सा। बट जैसे जैसे डे बढ़ेगा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। तो ये मेरे जम्मू शहर का नज़ारा है, ये देखिए कितना बड़ा है मेरा जम्मू शहर। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये जम्मू शहर है, बल्कि उसके आगे भी है, बहुत ही बड़ा है मेरा जम्मू शहर गाइस। और भारत की शान तिरंगा लहरा रहा है, मंदिरों का शहर है हमारा जम्मू शहर गाइस। और आज मैं आपको तभी जो हमारे यहाँ की नदी है तभी नदी, उसके मैं दर्शन कराती हूँ। सूर्यपुत्री नदी तभी है, ये सूर्य की पुत्री है, इनको सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो ये देखिए तभी नदी में कितनी बाढ़ सी आ गई है, कितना पानी भर गया है फ्रेंड्स। ये काफ़ी दूर है मेरे घर से, लेकिन फिर भी ये देखिए पानी कैसे छल छल चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है पानी, पानी का बहाव की कितना तेज़ पानी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी वाला पानी हो गया, सारी पहाड़ियों से मिट्टी पिघल पिघल के आई हुई है। और आसमान में उड़ाई जा रही हैं पतंगे, उड़ रही हैं पतंगे। मेरे बेटे को भी पतंगों का बहुत शौक है फ्रेंड्स। पतंगे कैप्चर ही नहीं हो रही इसमें, ये क्यों नहीं हो रही? आसमान इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है शायद। तो बारिश शुरू होने वाली है। एक्चुअली मैं आज टेरेस पे क्यों आई, मैं इसलिए आई क्योंकि गाइस मेरी टंकी के पास ना ये छोटे 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 प्लांट्स उगाते हैं, तो इन्हें निकालने के लिए मैं आई हूँ। क्योंकि फिर ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन कह रही हूँ, इसके अंदर पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये जड़ के समेत तो निकालना मुश्किल ही होती है, बट ये वाला जड़ के समेत ही निकल गया, तो वो फिर दीवारों पर पानी पानी आना शुरू हो जाता है। पानी से एकदम सॉफ्ट से हो गए हैं ये फ्रेंड्स, ये देखिए हल्की से भी जम गई है। तो ध्यान से करें, कभी कभी इनके बीच में कीड़े भी हो सकते हैं। ये देखिए कितने प्लांट्स मैंने निकाले हैं, ये देखिए यहाँ भी कितने प्लांट्स उगाए हैं। ओहो मिट्टी भी नहीं है, बस ऐसे पानी में प्लांट्स उगाए हैं। यहाँ भी इतने प्लांट्स उगाए हैं, बट ये ध्यान नहीं देते बाकी कोई और। हो गया है संगत जी, और टे के लिए भी दाल चावल मैंने बना दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, बारिश है तो क्या हुआ। गाइस आज सामने सीमा मासी हैं मेरी, मेरे घर के सामने, तो उनके भी घर में माता रानी का सत्संग है, तो वहाँ भी मुझे जाना है। बट ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, घर तो खैर उनका पास ही है, तो वहाँ से सत्संग अटेंड करके जाना है मुझे वहीं पे जहाँ हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, जहाँ हमारे गुरुजी का द्वार है। तो वो सारी संगत आई होगी वहाँ पे, उनसे भी मिलना है और आपको भी मिलवाना है। और साथ ही में जो लोग वहाँ दर्शनों के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप तक वो दर्शन भी पहुँचाने हैं मैंने। तो आप भी प्रे करो ना इंद्रदेव से कि कुछ देर के लिए थम जाए। मुश्किल है। तो फ्रेंड्स गाइस और संगत जी, मैं आ गई हूँ मासी के घर। और ये देखिए मासी के घर पे जो मासी ने माता रानी का दरबार सजाया हुआ है, तो देखते ही बनता है दरबार। बहुत ही प्यारी माता रानी की मूर्ति उन्होंने अपने घर पे लगाई हुई है, ये देखिए। जय जय, मेरे मुंह से ना जय जय गुरु जी निकल रहा है। जय माता दी, जय माता दी। तो ये मासी ने बहुत ही सुंदर दरबार सजाया हुआ है। हाँ जी आशी, जय माता दी, जय माता दी। तो गुरु जी को ये स्थान दिया हुआ है मासी ने, जय गुरु जी। तो गुरु जी यहाँ भी साक्षात विराजमान है। और ये हमारी फ्रेंड्स बावे वाली माता है, जम्मू में बहुत बड़ा बावे वाली माता का मंदिर है, बहुत सारे लोग जानते हैं जो जे एंड के हैं।
हैं जो बाहर के नहीं हैं, जो सॉरी बाहर के हैं वो नहीं जानते। तो बहुत ही फेमस है ये बाहू फोर्ट में बाबे वाली माता का मंदिर, जिसे किले वाला मंदिर भी कहा जाता है। जय माता दी, जय गुरु जी। तो एक बार लगा दीजिए सारे जयकारा, जयकारा मेरी शेरा वाली दा, सांचे दरबार की जय, जयकारा माँ बाबे वाली दा, सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, सांचे दरबार की जय, जय जय गुरु जी, धन 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अभी थोड़ी देर में कीर्तन शुरू हो जाएगा, तो जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुंचती जाएंगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय माता दी सभी को, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आरती आंटी, जय माता दी, जय माता दी। का सत्संग खत्म हो गया है, तो सत्संग जैसे ही खत्म हुआ है तो अनुराधा के पांव मुड़ गए हैं। कहाँ पता है ना आपको? नहीं पता? अपने गुरुघर में। जी हाँ, मैं पहुंच गई हूँ अपने गुरुघर में और आपको बहुत ही बढ़िया वाले दर्शन कराने वाली हूँ हमारे गुरु जी। क्या बताऊँ मैं, क्या दर्शन दे रहे हैं बढ़िया से, अभी दिखाती हूँ। लीजिए दर्शन मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के, संगत जी एकदम बढ़िया दर्शन। तो ये देखिए संगत जी, गुरु जी ने कितनी जल वर्षा कर दी है, बस ऐसा लग रहा है जो बाहर की बारिश है अंदर ही हो गई है। जूतियां गल भी बहुत गीली हुई थी, बट ये नए नए ड्रॉप्स पड़े हैं संगत जी। ये देखिए बिल्कुल ये चमक, जो ये चमकीले चमकीले से आपको वाटर वेपर से दिख रहे हैं, ये ड्रॉप्स हैं, जल की बूंदे हैं। ये देखिए संगत जी कैसे गिरे हुए हैं जूती पे, और जस्ट अभी अभी गिरे हैं ये। अनुराधा दीदी आप इतना अच्छा ब्लॉग बनाते हो, आज गुरु जी ने मेरे मन पे बोला कि आपको आज एक रोज देना है। क्या आज आपको रोज देना है? रोज देना है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यार करते हो गुरु जी, गुरु जी ने मुझे चुना के लिए, गुरु जी की राखी। ओ माय गॉड, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, रक्षा कवच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, यही वाले हाथ में डाल दे गुरु जी। अंग संग रहना मेरे दाता। आज एक बच्चा अपनी आंटी को राखी बांध रहा है, गुरुजी की राखी है ये, और बहुत ही नसीबों वालों को मिलती है, कर्मों वालों को मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस बच्चे के हाथों से ये राखी बंधवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये रोज़ भी दिया है मुझे, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी दर्शन कर लीजिए, दर्शन का मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये देखिए लबालब हो रखी है गुरुजी के चरणों के स्वरूप भी, और थाली भी। ये देखिए जल की बूंदे इसमें गिर रही हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लोज करके आज मैं दिखा रही हूँ संगत जी आपको, और सारे स्वरूपों पे हो रही है अमृत वर्षा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये वाले स्वरूप को तो बस हमेशा मैं देखती हूँ, मेरी आंखें इसी पर टिकी रहती है संगत जी। कितनी ज्यादा अमृत वर्षा, कितनी ज्यादा अमृत वर्षा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और इस व्हाइट वाले स्वरूप पे भी आज कितनी ज्यादा हुई है, कौन सी व्हाइट वाला स्वरूप? हाँ, आंखों में से जल की धारा बह रही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरुदेव, जो भी आपके इस दरबार में आए कभी खाली ना जाए, उसकी झोलियों में खुशियां भरना। मैं कहती हूँ उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, कोई दुख तकलीफ ना हो। जैसे आप मुस्कुराते हो गुरुदेव, वैसे ही उनको आशीर्वाद देना कि उनके परिवारों में सब हंसते खेलते रहें, खुशियों के माहौल हो, दुख तकलीफें कोसों दूर हों, सुख शांति हो सभी के घरों में। जो जो भी आपके यहाँ दरबार में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको गुरुजी प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से ही उनको ब्लेस करना। जो जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो उनके घर में साक्षात उनको मैं कहती हूँ गुरुजी आशीर्वाद देना, साक्षात उनको ब्लेस करना, कि वो ये कमी फील ना करें कि हम इतनी दूर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारण। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो रहे हैं संगत जी, और बस ये दर्शनों के लिए मुझे रोज खींचते हैं ये गुरु दरबार में गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जस्ट अभी ये ड्रॉप, ये देख, ये एक ध्रुव, एक और नया ड्रॉप आया जुत्ती पे, ये देखो नवा ड्रॉप आया, ये आया अभी, ये दिख रहा है ना ये। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। तो आंखों के सामने सामने ओम लग रहा है, ये देखो ओम बना। हाँ ये ओम बना, ये बना, ये देख, ये देखिए संगत जी मेरे को तो पूरा क्लियरली दिख रहा है।
लेकिन कैमरे में ब्लर ब्लर आएगा। आप मैंने दिख रहा है इसमें भी, दिख रहा है इसमें भी, नानी ओम दिख रहा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, इनकी लीला महान है। जहाँ भी नजर मारो वहीं गुरुजी जाप कर ले, मंत्र कुछ ना कुछ दिखाते हैं। तो प्लीज पहले बैठ जाओ, फिर करते हैं। तो आज बारिश बहुत थी, संगत आके चली गई है, मैं ही लेट हो गई हूँ संगत जी। तो मिलके हम लोग कर लेते हैं मंत्र जाप, क्योंकि मंत्र जाप के लिए जरूरी नहीं है कि हजारों की गिनती में ही कोई हो, एक दो बंदा भी हो तो उसको भी ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी आप हमारे संगत जी हो, तो चलो हम मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना दात्यानंतम शुकराना। हमें हमेशा अपने पास बुलाने के लिए शुकराना, अनंतम शुकराना, अपने चरणों में जगह देने के लिए शुकराना, इस दरबार में हमें बुलाने के लिए शुकराना, ये वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करने के लिए शुकराना, शुकराना अनंतम शुकराना दाता, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए शुकराना जो आपके दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, शुकराना 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 दातिया। जयकारा मेरी माँ शेरो वालिदा, बोल सांची दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरुदेव महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। अंकल आप बताओगे आप कैसे कनेक्ट हुए हो गुरुजी से? गुरुजी से मैं तो इधर महाजन की दुकान पे काम करता था, उनकी वाइफ तो लगी हुई थी, तो उन्होंने एक बारी बताया कि ये आप गुरुजी के यहाँ जाओ, घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मंत्र जाप जपो। फिर उन्होंने मेरे को लेके गए एक दो बारी, तो उसके बाद मेरे को ऐसी लगन लगी कि इन्हीं की लगन में लग, इन्हीं के रंग में रंग गया एकदम। तो आपको क्या कुछ चेंजेस आई आपकी लाइफ में? बहुत चेंजिंग आई है, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता। नहीं ठीक है, अपनी ब्लेसिंग है, आप अपने तक रख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ इन्होंने अंग संग रह के किया हुआ, मेरी बड़ी हेल्प की हुई है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुदेव, बहुत ही सच्चे हैं और सच्ची संगत से करते हैं ये बेहद प्रेम। भले ही वो संगत एक हो, दो हो, जहाँ हजारों की कतार में हो, ये सभी को करते हैं ब्लेस। जय गुरुजी। अंकल जी आप इतने उदास क्यों हो? और गुरुजी आपकी उदासी दूर करें, हम तो यही कहते हैं आपके कामकाज में बरकत डालें। अच्छा काइट्स उड़ानी है इनको? ओहो कोई बात नहीं अंकल जी, जन्माष्टमी वाले दिन उड़ा लेना। जय गुरु जी, ये भी हमारे नए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बोल दो, बोल दो संगत जी, जय गुरु। वो मन ही मन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी के सामने ही बोले क्यों जी, ठीक है? तो अपने मन में कर रहे हैं, वो भी ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, जो भी जहाँ एक बार आके पहुँच गया, बैठ गया, वो ब्लेस हो गया समझो। बिना इजाजत के गुरु जी के दरबार में कोई नहीं आ सकता, जिसको बुलावा हो वही पहुँचता है संगत जी। तो मेरे साथ एक बार और प्यार से लगा लीजिए जयकारा, जयकारा मेरे प्यारे गुरुदेव जी का, बोल सांचे दरबार जय। तो ये है मेरे प्यारे गुरुजी के दर्शन, एक बार और करा देती हूँ संगत जी, और इसके बाद मैं अपनी वीडियो को करूँगी क्लोज और मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। और जिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि नई वीडियो सारी उन तक पहुँच सके, उसकी नोटिफिकेशन। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो यहीं पे करती हूँ बंद, टाटा बाय बाय, मिलूंगी कल आपसे। और एक बार लगा दीजिए जयकारा, जयकारा शराबाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जै, जै गुरु जी।